नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। श्रीलंका ने देश में विदेशी मुद्रा संकट के बीच कच्चे तेल की खरीद के भुगतान के लिए भारत से 50 करोड़ डॉलर का कर्ज मांगा है। श्रीलंका की तरफ से यह कदम ऊर्जा मंत्री उदय गम्मनपिल्ला की उस चेतावनी के कुछ दिन बाद उठाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में ईंधन की मौजूदा उपलब्धता की गारंटी अगले जनवरी तक ही दी जा सकती है। राज्य द्वारा संचालित सिलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन पर दो प्रमुख सरकारी बैंकों बैंक ऑफ सिलोन और पीपुल्स बैंक का लगभग 3 अरब 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर का बकाया है। राज्य के तेल वितरक मध्यपुर से कच्चे तेल और सिंगापुर सहित अन्य क्षेत्रों से परिष्कृत उत्पादों का आयात करते हैं। श्रीलंका ने भारत श्रीलंका आर्थिक साझेदारी व्यवस्था के तहत 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने के लिए भारत उच्चायोग के साथ बातचीत शुरू कर दी है। इस सुविधा का उपयोग पेट्रोल और डीजल आवश्यकताओं की खरीद के लिए किया जाएगा। कहा जा रहा है कि भारत और श्रीलंका दोनों के ऊर्जा सचिवों के जल्दी ही कर्ज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद की जा रही है। सरकार ने रसोई गैस और अन्य आवश्यक वस्तुओं में पिछले सप्ताह की वृद्धि के बावजूद ईंधन की अपेक्षित खुदरा कीमतों में वृद्धि पर रोक लगा दी है। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने श्रीलंका को इस साल तेल आयात पर अधिक खर्च करने के लिए मजबूर किया है। पिछले साल की तुलना में इस साल के पहले 7 महीनों में देश का तेल पर भुगतान 415% बढ़कर 2 अरब डॉलर हो गया है। वित्त मंत्री तुलसी राजपक्षे ने पिछले महीने कहा था कि महामारी के कारण पर्यटन और प्रेषण से देश की कमाई पर असर पड़ने के बाद श्रीलंका एक गंभीर विदेशी मुद्रा संकट का सामना कर रहा है। देश के जीडीपी में 2020 में रिकॉर्ड 3.6% की गिरावट आई है और जुलाई के माध्यम से एक साल में इसका विदेशी मुद्रा भंडार आधे से अधिक घटकर केवल 2 अरब 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर हो गया है। इससे पिछले एक साल में डॉलर के मुकाबले श्रीलंका रुपए में 9% की गिरावट आई है, जिससे आयात अधिक महंगा हो गया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।